आदित्य, आपके ट्रेडिंग? तीन स्टॉक चुने हैं, बाजार थोड़ा सा नरम है बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट है। तो मेटल पसंद आ रहा है, केमिकल पसंद आ रहा है, ऑटो पसंद आ रहा है। तो केमिकल एंड फार्मा में जेबी केमिकल फार्मा को बाय किया जा सकता है 2687 में। 2490 का रहेगा स्टॉप लॉस और 3000 से 3200 का रहेगा टारगेट। सेकेंड स्टॉक ऑटो से भारत फोर्ज 946 में बाय किया जा सकता है, 890 का रहेगा स्टॉप लॉस और 1030 से 1100 का रहेगा टारगेट। तीसरा स्टॉक मेटल से, मेटल में बहुत अच्छी न्यूज फ्लो आ रही है। चाइना में आपने देखा कि डिफ्लेशन का डेटा आया है, थोड़ा सा इकोनॉमी नरम है, तो चाइना अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलेट कर सकता है, जो मेटल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जिंदल स्टील टॉप पिक है, मुझे लगता है उसको काफी फायदा मिल सकता है, बेनिफिशियरी है। तो जिंदल स्टील को बाय करेंगे 677 में, 640 का रहेगा स्टॉप लॉस और 730 से 790 का रहेगा टारगेट। आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए शुरुआत आपसे ये करते हैं कि जरा ट्रेडिंग कॉल्स आपसे समझ लेते हैं कि आपके क्या हैं, उसके बाद हम आदित्य की तरफ भी जाएंगे। बताइए क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? मुझे खिंडाल को अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स, 458 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली अगर मैं देखता हूँ तो 478 480 के टारगेट आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 448 का, जो आई थिंक एक सपोर्ट लेवल पे है, वो एक अच्छा स्टॉप लॉस लग रहा है। तो मैं खिंडाल को बाय करना चाहूंगा। टेक्सचर काफी स्ट्रांग है, हायर बॉटम में स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यही फॉर्मेशन आगे भी जाके कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, तो हिंडाल को आपको ठीक लग रहा है। आप कह रहे हैं कि 451 का एक स्टॉप लॉस है, 480 का टारगेट है। अच्छा, यही ट्रेड है ना अमोल, और तो कोई नहीं है ना सौदा? और भी एक है, दूसरा भी एक, मैं PSU बैंक के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा था, तो मुझे कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स, 333.50 के आसपास है। पोजिशनली में मुझे लग रहा है कि 350 तक जा सकता है, शायद कल पॉलिसी के बाद थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर वोलाटाइल हो, पर स्टॉप लॉस मुझे लगता है 326 325 एक पकड़ के चलता है अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कैनरा बैंक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। ओके, ठीक है, आपके लिस्ट में कैनरा बैंक भी। ऑल दो ऐसे आज बैंकिंग नहीं चल रहे हैं, लेकिन बैंकिंग की वजह कैनरा बैंक नहीं हो सकता, बैंकिंग की वजह HDFC होगा, ICICI होगा, एक्सेस होगा। अब आप पूछेंगे ये क्यों वजह हो सकती है, इन्हीं की वेटेज है। आप सिर्फ इन तीनों को चला दो और 12 में से 7 शेयरों को गिरावट में दे दो, आपको बैंक निफ्टी ऊपर दिखेगा। ये जो वेटेज वाला कंसेप्ट जब से HDFC का मर्जर हुआ है ना, तब से थोड़ा बिगड़ गया है। इसलिए बैंकिंग काउंटर्स को अब अलग दृष्टिकोण से, अलग नजर से देखना होता है। अब आप इसको एक लाइन में नहीं खेच सकते। तो आप, कैनरा बैंक लिस्ट में शामिल हो गया, हिंडाल्को आपकी बाय लिस्ट में शामिल है। अब जरा आदित्य से पता करते हैं उनके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। आदित्य, आपके ट्रेडिंग